बिल्लू क्या हो गया ये? बिल्लू की इतनी बड़ी चोट क्या हुआ? रवाहू करो कि बताओगे भी क्या हुआ है? अबे चीते फर्ज की कीमत अदा की है पर एक मासूम लड़की को मासूम लड़की को छेड़ रहे थे कुछ गुंडे, मुझसे देखा नहीं गया? हाँ। भिड़ गया धो डाला। गुंडो ने तुमको? मैंने गुंडों को, उसी में ये हाथ कुर्बान हुआ। अम्मा शक्ल देख के तो छोड़ा करो, कौन विश्वास करेगा ऐसा कॉमेडियन वाला फेस पे इतना हीरो वाला स्टोरी। हा? अब बताओ कि सच सच क्या हुआ है, नहीं तो ये तुम्हारा दूसरा हाथ है ना वो भी लटका देंगे। नहीं वो भूख लगी थी तो केले के ठेले से चुपके से केला चुरा लिया, ठेले वाले के कुत्ते ने मुझे देख लिया। अरे अरे फिर काट खाया? पीछा किया, बहुत दूर तक पीछा किया। फिर फिसल गया कुत्ता? मैं फिर उठकर फिर भागा। तुम कुत्ता? अम्मा गिरे तो तुम हो। हाँ। उसके ऊपर मैं गिरा था ना। फिर क्या? मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे। कुत्ते कुत्ते को बोल रहा हूँ, कुत्ते को बोल रहा हूँ, तू टेंशन मत ले प्लीज। फिर क्या? सामने ये इतना सा बड़ा ट्रक आया। हे भगवान। और ट्रक पे टकरा गया। आप कुत्ता? पर आगे तो आप थे ना। लेकिन ग्रह कुत्ते के खराब थे ना, इसलिए वो आगे जाकर ट्रक से टकरा गया और पागल हो गया। और अच्छा हुआ ट्रक खड़ा ही था, नहीं तो क्या होता क्या मालूम। कुत्ते के साथ? मेरे साथ? अरे वो ट्रक के साथ टकरा के थोड़ी देर पागल नहीं होता तो मुझे काट नहीं लेता, इंजेक्शन लगवाने पड़ते मुझे। नहीं नहीं वो तो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया मौसी के घर। मौसी मेरी दूर की मौसी, शारदा मौसी गंगा नगर वाली मौसी, उन्होंने ही बचपन में मुझे उंगली पकड़कर पाकिट मारना सिखा। मौसी, वो मौसी नहीं होती तो ये बिल्लू द स्पाई नहीं होता। बिल्लू द स्पाई? अबे कितना झूठ बोलते हो तुम, कितना झूठ बोलते हो। तब से काका समा बांधे, कुत्ता ट्रक आदमी केला चोरी। मेरा हाथ टूटा फिर भी मजा दिया कि नहीं? हजार रुपए दे दू हैं? भीख मांग रही, कौन सा नया तरीका डिमांडिंग भिखारी? अभी भीख नहीं मांग रहे, अपने दवा दारू के लिए पैसे मांग रहे। हाँ? पुष्पा जी सिर्फ दवा के लिए इस तारे को अपना घर समझा है और तुम सब मेरा परिवार, और कौन है मेरा? और देखो परिवार में से किसी को चोट लगती है तो परिवार वाले ही पैसे देते हैं कि नहीं? देखो आपके लल्ला को अगर किसी ने मारा, मतलब भगवान ना करे चोट वोट आई, तो आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? हाँ ठीक है ठीक है, फिर बोल दो, मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। हे बिल्लू, बिल्लू ऐसे रोते नहीं बेटा, अपनी माँ को भी रुलाओगे क्या आप? नहीं नहीं माँ को क्यों रुलाऊंगा, हमको अपनी माँ मानते हो ना। हाँ तो रुक जा एक मिनट, ये लो ये पैसे रखना और अपने लिए दवा का इंतजाम करना। हाँ माँ। और हम कल तुम्हारे लिए ना बढ़िया सा काढ़ा बनाकर लेकर आएंगे। हाँ। देखना एकदम आराम मिलेगा तुमको। हाँ हाँ संतोष जी पैसे दे दो। थोड़े ही चाहिए? थोड़े ही हैं। हैं? चीते पैसे दे, दे बेटा दे। बिल्ला ये 2000 पकड़ो, फल फ्रूट लो
और अपना इम्यूनिटी को अच्छा रखो. इम्यूनिटी अच्छा रहेगा ना तो तंदुरुस्त रहोगे और अच्छे डॉक्टर को दिखाना. और हाँ, दवा ही लेना. हाँ जाओ, दवा ही लेंगे. तुम ही हो मेरा परिवार, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार है. आओ. Excuse me, मैम, ये थोड़ी कंफ्यूजन है एड्रेस को लेकर. एक पार्सल है मेरे पास, बिल्लू चंपत सेल 006, सेल 007, बिल्लू निवास महिला पुलिस थाना. मैम ये सही एड्रेस पर आया. बिल्लू चंपत क्या पार्सल भी आने लगे हैं. बिल्लू वो रहे आपके बिल्लू चंपत, वो यहाँ के बॉस हैं, हम उनके लिए काम करते हैं. जाइए जाइए. सर ब्लू चंपत. हाँ मैं हूँ. कुछ लेना है तो नो, देना है तो यस. नहीं नहीं सर, मैं तो आपको देने ही आया हूँ आपका पार्सल. सर मेरा पार्सल? हाँ जी. वाओ फाइनली जा सकते हो. क्या बात है बिल्लू द स्पाई, अब आपके पार्सल भी आने लगे हैं. मैडम सर ये सब आपकी मेहरबानी है. हाथ को क्या हुआ? ये मेरी मेहरबानी है. एक्टिंग क्लास, एक्टिंग क्लास. नहीं मतलब अपने थाना में, महिला थाना में वो डांस कंपटीशन हो सकता है, आगे चलकर एक्टिंग कंपटीशन भी हो सकती है ना, इसीलिए हम तैयार रहना चाहिए. एक्टिंग कभी भी स्किल है. आप कब से इन्हें ऐसे क्यों घूर रही हैं करिश्मा सिंह? भाई मैया की सासू मैया. अरे ये क्या हो रहा है ये? रुको, 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 शांति. मैडम सर ने कहा रुको, रुको. सांस लो, ब्रीद. क्या है ये सब बिल्लू? मैडम सर इससे नहीं, हमसे पूछिए. ये हमको चूरन दे रहा था, कह रहा था मौसी के घर गया था, नहाते नहाते फिसल गया, हाथ टूट गया. सब इमोशनल हो गए, सबने इसको 1000-1000 रुपए दे दिए. हम एक्स्ट्रा इमोशनल हो गए, हमने 2000 रुपए दे दिए. अब पता चला कि इनका हाथ तो टूटा ही नहीं है, हम सबको चूरन बना रहे थे ये तुम्हारे. बिल्लू. मैडम सर ये झूठ है. का बोले बे? ये झूठ है. मैडम सर वो मेरी इज्जत का सवाल था. क्या मतलब? मतलब आप समझ जाएगी, मैं बताता हूँ आपको. वो हुआ यू के इलियाना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ. सच में? सर आपका बिल. बिल ओ सॉरी. एक काम करो, ये सारे रख लो. थैंक यू सो मच सर. एंजॉय. तुम कितने स्वीट हो. तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है. मेरे लिए? यस. क्या? यस राइट. ये तुम्हारा है? मेरा ही मोबाइल है शायद. अच्छा तो तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा? हाँ तो दे ही दो. हैं? ऐसा चीप मोबाइल इस्तेमाल करने वाला आदमी धरती पर बोझ ही है. मैं जा रही हूँ, बाय. इलियाना, इलियाना अरे थोड़ा तो मिलके जाना. उसी पल मैंने ठान लिया ऐसा बढ़िया मोबाइल लूंगा कि मेरी इलियाना मोबाइल को देखकर दौड़ी दौड़ी मेरी बाहों में चली आए. तभी नजर इस मोबाइल पे पड़ी और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दिया. अमा तुम्हारी, तुमने तो कहा था ना कि तुम ये झूठ बोलना, चोरी चकारी सब छोड़ चुके हो, फिर क्या हुआ? अरे मैडम ये बस बोलता रहता है, ये कब्र तक जाने तक चोरी नहीं छोड़ेगा. चोर चुप नहीं, चोर क्या, निकल निकल. बिल्लू सॉरी मैडम सर, सॉरी सॉरी. आ आ आ आ आ आ आ आ
मैडम जी, गाय बेचनी है, पैसे की बहुत जरूरत है मुझे। अम्मा तुम हमारा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है और तुम्हें गाय बेचना है, दिखाई नहीं दे रहा महिला पुलिस थाना मंडी दिखता है तुमको ये जो तुम गाय बेचने आ गए। आप जाइए मंडी में और वहां जाके अपने इस गाय को बेचने का ट्राई कीजिए, जाइए जाइए। ठीक है मैडम जी। और अरे तोहरा भागते का अबे, तुमको तो हम बताएंगे। मैडम सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करना है। तो कहिए क्या जरूरी बात करनी है आपको। मैडम सर, वो हम ये कह रहे थे कि आपको हमारा कैरेक्टर रिपोर्ट अब दे देना चाहिए। आजकल आप देख ही रही होंगी कि हम कितना बदल गए हैं, अपने गुस्से पर कितना काबू पा लिया है हमने। ये रणवीर का केस, इस पे हम उसको टच भी नहीं किए थे मैडम सर, एकदम संयम से काम लिया था हमने। तो हमारे ख्याल से हमें हमारा कैरेक्टर रिपोर्ट मिल जाना चाहिए ताकि हमारा ये जो रुका हुआ प्रमोशन है क्लियर हो जाए और हम भी SHO बनके हमारे थाना को अपने तरीका से, मतलब प्रेम और संयम से उसको चलाए। देखा हमने अभी बाहर की, आप कितने संयम और कितने प्रेम से बिल्लू को हैंडल कर रही थी, जितने प्यार से आप बिल्लू पर कभी ग्लास कभी न्यूज़पेपर जो बरसा रही थी ना, वो हमने सब देखा। बिल्ला मैडम सर, बिल्ला तो घर का आदमी है ना, घर वालों के साथ हंसी मजाक चलता रहता है। ऐसे तो हमारी सासू मैया पुष्पा जी के साथ हम जो दिन भर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इस हिसाब से तो दुश्मनी में हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। मैडम सर, वो हमें लगता है आपको हमारा कैरेक्टर रिपोर्ट अब दे देना चाहिए। धोखा धोखा पुष्पा जी, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। FR लिखिए, धोखा हुआ है मेरे साथ। अरे मगर हुआ क्या धोखा, तो वो तो होना ही था ना, धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है, समझे। शुक्र मनाओ कि मैडम सर यहाँ खड़ी है, ये तो हाथ टूटने का जो तुम हमको झूठा कहानी सुनाए हो ना, उसको हम सच्चा कर देते अभी। तो ये है आपका संयम, इस संयम के भरोसे चाहिए आपको कैरेक्टर रिपोर्ट। नहीं मैडम सर, वो तो हम ऐसी मजाक कर रहे थे, ये तो हमारे भाई जैसा है, क्यों बिल्लू। हाँ तो भाई जैसा हूँ तो भाई की मदद जैसा कुछ कीजिए ना। ये देखिए, ये ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, ये बॉक्स में से क्या आया। ये तो साबुन जैसा लग रहा है। तुझे देख के कोई भी कह सकता है कि आज से पहले तूने साबुन की शक्ल तक नहीं देखी है। एक सेकंड बिल्लू, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं ना कि डब्बा खाली निकला है, डब्बे में से साबुन निकला है। इट्स ओके, नहाने के इस्तेमाल आएगा, नहा लेना। हाँ। संतोष जी, नहाने का साबुन नहीं है ये, ये कपड़े धोने का साबुन है, और वो भी 4000 का। अरे 4000 के कपड़े नहीं है, कौन से कपड़े धोऊं अभी? इस साबुन से मैं कपड़े धोऊं या सेल्फी निकालूं? बिल्लू बिल्लू हमारी बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे का ऑर्डर तुम्हारे यहाँ गलती से आ गया हो। नहीं, हम FIR नहीं लिख सकते। बिल्लू बिल्लू रिलैक्स, संतोष शर्मा इस वेबसाइट पर जाकर पता लगाइए कि ऑर्डर्स रिटर्न करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? जी मैडम सर। हो जाएगा ना। ये देखो, ये लो, करो करो, चलो चलो ना। मैडम सर, आपने कहा था ना वो बिल्लू का ऑनलाइन मोबाइल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैडम सर, वहाँ रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी वेबसाइट पर ऑर्डर रिटर्न करने का ऑप्शन ही नहीं है? मैडम सर, जिस साइट पे बिल्लू ने ऑर्डर किया था मैंने वहाँ पता किया, उनका कहना है कि बिल्लू चंपत के नाम का कोई ऑर्डर ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनके हेल्पलाइन सेंटर में भी कॉल किया तो वहाँ भी उनका यही कहना है कि बिल्लू का कोई ऑर्डर नहीं है। क्या नाम बताया उस वेबसाइट का? destinyshop.com, दिल्ली की कंपनी है, कई शहरों में उनके ब्रांचेस है और यहाँ लखनऊ में भी गोमती नगर में एक ब्रांच है। मैडम सर, आप कहे तो हम एक चक्कर काट कर आए उस ब्रांच में, पता भी चल जाएगा कि माजरा का है। बातचीत करेंगे सर। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये केस वैसे भी साइबर यूनिट का है और संतोष शर्मा है ही फॉलो अप करने के लिए।
इसलिए आप तकलीफ मत लीजिए। जी मैडम सर। संतोष शर्मा, केस के सारे डिटेल साइबर यूनिट को फॉरवर्ड कर दीजिए, लेट देम हैंडल इट। जी मैडम सर। माँ कुछ करो माँ, अपने मासूम बच्चे में इंसाफ दिलाओ माँ, उसका मोबाइल वापस दिलाओ। हसीना मैडम को मत भूलना, करिश्मा मैडम को बोलना, वो रिजल्ट फटाफट लाएगी, बोलोगी ना माँ? अरे मैडम, उसकी बात मान लो ना, प्लीज कर लीजिए काम उसका। हाँ, आपके बच्चे जैसा है बुड्ढा। निकोल, कुछ करो प्लीज प्लीज, कुछ करो ना माँ। हाँ हाँ हाँ, कुछ करते कुछ करते। करिश्मा मैडम आ रही है, कुछ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, बदना चाय दे। हाँ चाय दे दो करिश्मा मैडम। लाओ लाओ चाय दे। ये लीजिए करिश्मा मैडम। हम सोच रहे थे, बहुत दिन हो गए हमने रात को खाने में कोफ्ते नहीं बनाए, तो क्यों ना आज ही। मत किया कीजिए ये ओवर एक्टिंग, बहुत गंदा लगता है हमको और हजम भी नहीं होता है। मुद्दे पे आइए। वो बिल्लू की मदद कीजिए ना, देखिए ना कितना शर्मिंदा, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने हमसे कहा आपसे बात करने के लिए, तो उसकी मदद कीजिए ना। अम्मा हम मदद नहीं कर सकते हैं, मैडम सर ने बोला है साइबर सेल का केस है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप ही हो, आप ही कुछ कर सकते हो, आपको मालूम नहीं मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। करिश्मा मैडम, आपके भूकल से ही मेरा मोबाइल वापस आएगा। करिश्मा मैडम, आपकी वजह से ये थाना चल रहा है। करिश्मा मैडम, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए उसकी। अम्मा हाँ, कुछ सोचते हैं सोचते हैं। सोचो करो, बहुत इमोशनल करते हो हमको। हाँ। पता दो। हाँ? हाँ। ये लो। मैडम, मैडम मुझे मदद कीजिए। क्या हुआ अंकल? मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। अरे आराम से भैया, हम लोग हैं ना मदद के लिए, बताइए क्या हुआ है। एक मिनट, आप तो, हाँ आप तो वही है ना जो सुबह गाय बेच रहे थे? हाँ मैडम वही है। क्या हुआ? मेरा 40,000 रुपए डूब गया मैडम। अच्छा, आप बैठिए बैठिए। अच्छा बैठिए, आई इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। बिटिया को पढ़ाई के लिए लैपटॉप की जरूरत थी और मेरे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए आज सुबह गाय बेच दिया मैंने मैडम 40,000 में, और उन्हीं पैसों से कौन सा लैपटॉप लेना है वो तय भी कर दिया। आज ऑनलाइन हम लोग ने बुकिंग भी कर दिया और बिटिया ने ऑनलाइन आज पैसे भी चुका दिया। मैडम जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी चीज़ खरीदी थी, इसलिए मैंने अपने बिटिया को बोला, बेटा फोटो तो दिखा लेकिन जहाँ से खरीदा था वो कंपनी गायब हो गई। मेरी मदद कीजिए, मेरे पैसे दिलवा दीजिए मैडम। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको उस कंपनी का नाम याद है? मैडम मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, बिटिया ने कुछ लिख के दिया, देखिए ना कागज में। दीजिए दीजिए। destinyshop.com। मैडम सर, ये वही साइट है जहाँ से बिल्लू ने अपना फोन ऑर्डर किया था। हाँ, और जब आपने मुझे कहा इसके बारे में पता लगाने के लिए तो ये साइट शो नहीं कर रही थी। Are you sure? Yes. बताइए, वेबसाइट नहीं हुआ, छुपन छुपाई का खेल हो गया, कभी मिल रहा है कभी गायब हो जा रहा है। मेरी मदद कीजिए और पैसे लौटवा दीजिए मैडम। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह के केसेस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है साइबर यूनिट नाम का, वो आपकी मदद करेंगे। उन तक कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब डिटेल्स आपको संतोष मैडम बताएंगे, ठीक है? आप सारी अपनी बातें इनको अच्छे से बता दीजिए, ओके? अब जी सर, आप यहाँ पे आइए मेरे साथ। जाइए जाइए। मैडम आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, मैंने सारे स्टॉक्स चेक कर लिए, हमारे यहाँ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। अम्मा तुम बिल्कुल ही चूरन समझे हो हमें, जब ऑर्डर यहाँ से हुआ है तो रिकॉर्ड भी यही होगा। हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने डिलीवरी बॉयज को बुलाइए और उनसे थोड़ा पूछताछ कीजिए। देखिए मैडम, लॉकडाउन की वजह से सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए मेरे सारे डिलीवरी बॉयज फील्ड पर हैं, और उन सबको एक साथ यहाँ पर कैसे बुलाऊं?
एक मिनट, आप मुझे वो रिसिप्ट दिखाइए। मैडम ये गलत है। तो हम कोई दूसरा भाषा बोल रहे थे? हम भी यही कह रहे हैं ना कि ये गलत है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। गलत आए हैं आप मैडम। यहाँ आने से पहले एक बार आपने ये रिसिप्ट चेक कर ली होती ना, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आपने पढ़ाई तो की होगी ना पुलिस ज्वाइन करने से पहले? तो भाई तो आराम से मैडम, आराम से। यहाँ चारों ओर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और क्या है ना कि डीसीपी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अब उनको बड़ा दुख होगा ये सब देखकर। रही बात ऑर्डर की, तो हमारी कंपनी का नाम है डेस्टिनी, DESTINY। और ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, DESTINI। ये फ्रॉड है मैडम, कोई हमारी कंपनी की वेबसाइट से मिलती जुलती फेक अकाउंट बनाकर ये फ्रॉड कर रहा है, और आप यहां आकर हमें परेशान कर रही हैं। मैडम आप वो कीजिए जो पुलिस को करना चाहिए, जाकर पकड़िए उन धोखेबाजों को। तुम हमें मत बताओ कि पुलिस को क्या करना चाहिए, हम तुमको दिखाते कि पुलिस क्या कर सकती है। ये जो ऑनलाइन बिल के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है ना, उसको उसी के बिल से निकालकर उसका बारात ना निकाला ना, तो हमारा नाम भी SI करिश्मा सिंह नहीं। ऑल द बेस्ट मैडम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.